हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल द्विवेदी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बाइंडी ट्यूब प्रयागराज में। तो दोस्तों, आज हम लेके आ चुके हैं आपके सामने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु क्रिएटेड इंटरनेट एक्सप्लोरर? इंटरनेट एक्सप्लोरर का निर्माण किसने किया था? तो क्वेश्चन के ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी IBM, ऑप्शन सी डेल एंड ऑप्शन डी एनी ऑफ देम। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में तुरंत मेंशन कर दीजिए कि किसने इंटरनेट एक्सप्लोरर को क्रिएट किया था। तो इसका सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। क्या होगा इसका सही आंसर? माइक्रोसॉफ्ट। आइए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। किस सॉफ्टवेयर की सहायता से यूजर सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इंटरनेट में प्रवेश करता है? विद द हेल्प ऑफ विच सॉफ्टवेयर द यूजर एंटर्स द इंटरनेट टू गेट इंफॉर्मेशन? तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा, ऑप्शन है वेब सर्वर, प्रोटोकॉल, ब्राउजर, टेलनेट। इसका करेक्ट आंसर होगा ब्राउजर। तो हम क्या करते हैं, ब्राउजर की हेल्प से ही किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। क्वेश्चन सी है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसी? तो पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर, प्रोसेस कंट्रोल, प्रोडक्शन कंप्यूटर एंड फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द इलीगल कॉपिंग ऑफ कॉपी रिटन सॉफ्टवेयर कॉल्ड? कॉपी राइट करने वाले सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी करने को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा, कोलाबोरेशन, सॉफ्टवेयर पिरेसी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन और ब्राउजिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सॉफ्टवेयर पिरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UIDAI का पूरा नाम क्या है? UIDAI, what is his full name? ऑप्शन ए है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन ऑफ इंडिया। तो इसका ट्रू आंसर होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VR, what is the meaning of? VR का मीनिंग क्या होगा? इट मीन्स VR का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्चुअल रिस्पॉन्स, वोकल रेशियो, वर्चुअल रियलिटी एंड वाइटल रिस्पॉन्स। इसका ट्रू यानी करेक्ट आंसर होगा वर्चुअल रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल? तो सबसे पहले आपको यह बताना है कि वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है। तो हम लोग इस पॉइंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी मेमोरी जहां पे डेटा तभी तक स्टोर हो जब तक उसको पावर की सप्लाई मिल रही होती है, वो वोलाटाइल मेमोरी होती है। तो वहां पे क्या होता है, आपका जो रैम होता है प्राइमरी मेमोरी, वो क्या होती है, वोलाटाइल मेमोरी। तो यहाँ पे जो परमानेंट डेटा स्टोर होता है जहां पे, इट मींस पावर के सप्लाई को ऑफ कर देने पे भी डेटा अगर डिलीट नहीं होता, लॉस नहीं होता, तो उस मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोम। और रोम ही हम लोग का क्या होता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट के चयनित सेल की एक पंक्ति का चयन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? द शॉर्टकट की इज टू सिलेक्ट अ रो ऑफ द सिलेक्टेड सेल इन स्प्रेडशीट। तो आपको स्प्रेडशीट के कोई भी सेल एक सिलेक्ट है, तो उस सेल के अकॉर्डिंग उस रो को सिलेक्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज हम लोग करते हैं? तो यहाँ पे अगर हम लोग कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करते हैं तो पूरा कॉलम सिलेक्ट होता है, एंड शिफ्ट के साथ स्पेस बार प्रेस करते हैं तो वो पूरा रो सिलेक्ट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन किसको सिलेक्ट करना है, हमको रो को सिलेक्ट करना है, इट मीन्स शिफ्ट प्लस स्पेस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
HMD का पूरा नाम क्या है? What is the full form of HMD? Head mounted detection, head mounted display, head masked display. इसका ट्रू आंसर होगा सी, इट मींस हेड माउंटेड डिस्प्ले. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल मर्ज करने के लिए कितने स्टेप उपलब्ध हैं? आप मेल मर्ज करते हैं तो वहां पे आपको कितने स्टेप को फॉलो करना होता है? तो ऑप्शन नंबर में ए में है 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 5. तो इसका राइट आंसर होगा 6. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कंप्यूटर का कोई कंपोनेंट जिसे आप देख और छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं? एनी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर विच यू कैन सी एंड टच इज कॉल्ड. तो क्वेश्चन भी एकदम इजी है, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल, हार्डवेयर, प्रोग्राम. तो इसका राइट आंसर होगा हार्डवेयर, कि यहाँ पे कंप्यूटर का ऐसा कंपोनेंट जिसको हम लोग क्या करते हैं, छू सकते हैं. तो यहाँ पे बात आएगी हमको हमारी हार्डवेयर की. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज, कंप्यूटर पर जानकारी ब्लैंक के रूप में स्टोर की जाती है. तो कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन होती है किस फॉर्म में होती है? ऑप्शन ए है एनालॉग डेटा, ऑप्शन बी है डिजिटल डेटा, ऑप्शन सी मॉडर्न डेटा, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिम. तो यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर में किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डिजिटल डेटा का यूज करते हैं. वहां पे सारी इंफॉर्मेशन डिजिटल डेटा के फॉर्म में होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. कौन सी कुंजी टेक्स्ट को कर्सर के बाएं ओर से डिलीट करती है? विच की डिलीट्स द टेक्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर. तो जैसे क्या होता है, आपका जो कर्सर है उसके लेफ्ट साइड में कौन सी की को प्रेस करने पे उसके लेफ्ट साइड का कंटेंट डिलीट होता है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा. क्यों होगा? क्योंकि देखिए क्या होता है, आप कभी भी बैक स्पेस यूज करते हैं तो उसके लेफ्ट साइड के कंटेंट को ये डिलीट करता है. अगर आप डिलीट करते हैं तो वो कर्सर के राइट साइड वाले कंटेंट को डिलीट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इनमें से कौन सा सोशल साइट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल साइट? अमेजन, ट्विटर, लिंक्ड इन, इंस्टाग्राम. तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो आप लोग जानते हैं अमेजन क्या है, हम लोग इसके थ्रू क्या करते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं. ये तो ये कोई सोशल साइट नहीं है. ट्विटर क्या है आपका? सोशल साइट है. इंस्टाग्राम क्या है? सोशल साइट है. एंड लिंक्डइन भी सोशल साइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट नया दस्तावेज के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर द न्यू डॉक्यूमेंट इन द लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट. तो लिब्रे ऑफिस हो, चाहे एमएस वर्ड हो, चाहे नोट पैड हो, चाहे एमएस एक्सेल हो, यहाँ पे किसी में भी हम लोग नए डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एन यूज करते हैं. किसी भी सॉफ्टवेयर में, चाहे वो हमारा नोटपैड हो, चाहे एमएस वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, या फिर लिब्रे ऑफिस हो, तो किसी में भी नए डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करने के लिए हम लोग का जो शॉर्टकट की होता है वो क्या होता है? कंट्रोल प्लस एन. नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में वो सूत्र जो A1 की सामग्री का 60% दिखाता है. तो यहाँ पे इसका आंसर एकदम क्लियरली मेंशन है. द फॉर्मूला इन द लिब्रे ऑफिस दैट शोज 60% ऑफ A1 कंटेंट. इसका राइट आंसर होगा A1 × 16%. आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे. निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर. तो कौन सा नहीं है, क्वेश्चन एकदम आसान सा है. माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम. तो माउस क्या है आपका? हार्डवेयर डिवाइस है. प्रिंटर भी हार्डवेयर डिवाइस है, मॉनिटर भी. एंड लास्ट में क्या बचता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई हार्डवेयर डिवाइस नहीं बल्कि क्या है? एक सॉफ्टवेयर है. क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं. निम्न में से बैंक किस पर ब्याज लेता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक चार्जेस इंटरेस्ट? डिपॉजिट, ऑन लोन्स, बोथ ऑफ द एबव, नॉन ऑफ दिस. तो डिपॉजिट पे क्या होता है, हमें ब्याज मिलता है. हम हमें देना नहीं पड़ता बल्कि वहां पे हमें ब्याज मिलता है.
नेक्स्ट क्या है? ऑन लोन्स। तो लोन्स पे क्या होता है? हमें ब्याज देना होता है। बोथ ऑफ द एवब, तो ये तो होने वाला नहीं है, नॉन ऑफ द एवब भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑन लोन्स। तो हम लोग को क्या करते हैं, अगर हम लोन लेते हैं तो उस पर हमें बैंक को ब्याज देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा बैंक खाते का एक प्रकार नहीं है? Which of the following is not a type of bank account? इनमें से कौन सा एक बैंक अकाउंट का टाइप नहीं है? तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, चीट फंड अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसका राइट आंसर होने वाला है चीट फंड अकाउंट। चीट फंड अकाउंट आपका कोई अकाउंट का टाइप नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्या शब्द है जो आमतौर पर वेब पेज पर रेखांकित प्रदर्शित होता है? वॉट इज द वर्ड That usually appears underlined on a web page. तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो वेब पेज पे आपको underlined फॉर्म में दिख जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए वेब पेज, ऑप्शन बी हाइपरलिंक, ऑप्शन सी एन इम्पॉर्टेंट, ऑप्शन डी एन एक्टिव वर्ड। इसका राइट आंसर होगा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक कभी भी आप यूज करते हैं तो वहां पे देखते हैं आप अंडरलाइन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, एड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर माउस? तो कंप्यूटर का माउस किस टाइप का डिवाइस है? स्टोरेज है, आउटपुट है, सॉफ्टवेयर है या इनपुट है? तो इसका राइट आंसर होगा माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, वर्कशीट में डेटा के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड एज डेटा इन अ वर्कशीट। तो वर्कशीट में आप किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करते हैं? चार्ट्स एंड डायग्राम। इट मींस वर्कशीट जो होता है, हम लोग का जो स्प्रेडशीट होता है, वहां पे डेटा को कैसे आप यूज करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं? चार्ट्स एंड डायग्राम, रो एंड कॉलम। यू डू नॉट वॉन्ट टू रिफर द प्रिफरेंस, द डिस्टेंस बिटवीन ईयर्स इज रिड्यूस्ड एंड यू कैन सी इन द बोथ विंडो। इसका राइट आंसर होगा रोज एंड कॉलम। तो किसी स्प्रेडशीट में हम लोग किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं रो एंड कॉलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, कमांड के अमल की प्रक्रिया क्या है? द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ कमांड इज, तो जो कमांड होता है उसको जब फेच किया जाता, सॉरी उसको जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसके प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फेचिंग, स्टोरिंग, एग्जीक्यूटिंग, डिकोडिंग। तो किसी भी कमांड को जब हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उस पर कोई भी काम करवा रहे होते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डीएनएस का क्या मतलब होता है? डेटा नेमिंग सिस्टम, डीयू नेम सिस्टम, डुप्लीकेट नेमिंग सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, इंटरनेट का उपयोग कर आप क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन यू डू यूजिंग द इंटरनेट? कैन डाउनलोड सॉन्ग्स ऑनलाइन, कैन वॉच टीवी ऑनलाइन, सेल और बाय मोबाइल फोन्स ऑनलाइन, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एवर। तो हम लोग इंटरनेट का यूज करके ये जो चारों वर्क है, चारों टाइप के, हम इनको इन काम को आसानी से कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एवर। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए यही तक के लिए एंड करते हैं, और आपका 1 to 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।